स्वागत है आपका स्पॉटलाइट 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अर्पित भारद्वाज। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। जनपद उन्नाव के पूर्वा विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत मिर्जापुर सुमारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपात्रों को आवास देने का मामला पूर्व में आया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान पर 10 से 15,000 रुपए लेकर अपात्रों को पात्र बनाने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी उन्नाव रवि कुमार एनजी से की। जिलाधिकारी ने फौरन परियोजना निदेशक को तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार पूर्वा विकास खंड के ग्राम पंचायत मिर्जापुर सुमारी के तत्कालीन ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से 10 से 15,000 रुपए लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में जमकर हेराफेरी की थी। ग्रामीणों ने तत्कालीन जिलाधिकारी आदित्य सिंह को दिनांक 20 अगस्त 2017 को एक शिकायती पत्र भी दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में अधिकारी प्रधान पक्ष को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे शिकायतकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। दोबारा फिर एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया गया, उन्होंने जांच की दोबारा आदेश दिए गए। वीडियो साहब ने घर गांव में जाकर दोबारा से जांच की, जिसमें फिर रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। आपने परियोजना निदेशक से बात की है? हाँ, परियोजना निदेशक से बात की है। वो क्या बोले? उन्होंने खुद मौके पर बुला के प्रधान पक्ष को और पीड़ित पक्ष को बयान लिए थे, वहाँ भी पैसे लेने की पुष्टि हुई थी।